ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत हेल्दी होता है और डेफिनेटली हेल्दी है तो प्रेगनेंसी में भी बहुत हेल्प करता है, लेकिन मैक्सिमम लोग उसे गलत तरीके से खाते हैं, उन्हें नहीं पता कि उसका फ़ायदा कैसे लें। तो आयुर्वेदा क्या कहता है, कितना खाना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में खाना चाहिए, किन लोगों को ड्राई फ्रूट खाने में थोड़े से चेंजेस रखने चाहिए जिससे कि उनके शरीर के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट उन्हें फ़ायदा दे सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, हर एक वीडियो के लास्ट में मैं आपके दो सवाल लेती हूँ जो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप भी अपने सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं जिसको कि मैं अगले वीडियोस में कवर कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स में है क्या सबसे ज़रूरी, उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फैट है, क्योंकि आपके अंडों को अच्छे मेच्योरिटी के लिए, हार्मोन संतुलित रहने के लिए बॉडी को गुड क्वालिटी फैट चाहिए होता है और वो ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन ई, जिसको फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, वो भी ड्राई फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। आयरन, कैल्शियम और कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ड्राई फ्रूट्स में होते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स को तो होलिस्टिक माना गया है जो कि ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं, यूट्रस ओवेरीज के लिए बहुत अच्छे हैं और फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आयुर्वेदा क्या कहता है, आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना ड्राई फ्रूट खाना है, आपको कौन सा ड्राई फ्रूट खाना है, किस टाइम पे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्राई फ्रूट को खाने का बेस्ट टाइम क्या होता है, क्योंकि कई बार बहुत अच्छी बहुत बढ़िया चीज़ को भी अगर आपने गलत समय पर खा लिया तो वो आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए समझ लीजिए कि ड्राई फ्रूट को आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाएं। मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में, मतलब नाश्ते तक का समय बहुत अच्छा होता है ड्राई फ्रूट को खाने का, जिससे कि आपकी बॉडी उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है और आपके शरीर को ड्राई फ्रूट खाने से बेनिफिट मिलता है। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि किस तरीके से ड्राई फ्रूट को खाना है। फ्रेंड्स, आयुर्वेदा ये कहता है कि ड्राई फ्रूट्स सूखे मेवे थोड़े से गर्म होते हैं। गर्मियों में आयुर्वेदा में फल खाने की सलाह दी गई, ताजे फल जो उपलब्ध होते हैं, और सर्दियों में सूखे मेवे क्योंकि वो हमें गर्मी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर किसी महिला के, किसी के पुरुष के शरीर में ऑलरेडी गर्मी है, पित्त बढ़ा हुआ है या बॉडी हीट ज़्यादा है और वो ड्राई फ्रूट्स खाने लग गए, तो ऐसे में उनको और भी ज़्यादा हीट होगी, उनको एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा और वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे करके छोड़ देंगे ड्राई फ्रूट को खाना, जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो सही तरीका क्या है जिससे कि गर्म प्रकृति वाले लोग भी ड्राई फ्रूट को खा सकें? तो इसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जिनको ड्राई फ्रूट से गर्मी होती है, या फिर अगर आप गर्मी के भी मौसम में ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं और उसकी गर्मी से बचना चाहते हैं, तो ड्राई फ्रूट को सोक कर दीजिए, पानी में भिगा दीजिए। 6 से 8 घंटे भिगाए हुए ड्राई फ्रूट खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और उसका बेनिफिट आपका शरीर ले पाता है। ड्राई फ्रूट को भिगोने की अगर बात की है तो इसकी कैटेगरी समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट को अगर हमने भिगो दिया तो उसका सारा पोषण पानी में निकल जाएगा, फिर हम खाएंगे तो हमें कैसे बेनिफिट होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ड्राई फ्रूट को भिगोने के संदर्भ में 2 कैटेगरीज आपको समझाना चाहूँगी जो कि आयुर्वेदा में वर्णित है, कि अंजीर और मुनक्का, या आप किशमिश भी ले लें, किशमिश में कम सजेस्ट करती हूँ, मुनक्का ही मोस्टली सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि किशमिश से कई लोगों को एसिडिटी होती है और मुनक्के के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो अंजीर और मुनक्का 2 ऐसे ड्राई फ्रूट हैं जिनको कि आप भिगोते हैं, तो भिगोने में जो पानी आपने यूज़ किया है उस पानी को भी आपको यूज़ करना है, क्योंकि कई न्यूट्रिएंट्स उस पानी में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जब भी किशमिश और मुनक्का भिगोएं, उनको खाएं तो ज़रूर, लेकिन उस पानी को स्मूदी में या पी लें सिंपली उस पानी को, या फिर आटा लगाने में किसी भी तरीके से यूटिलाइज करें, उस पानी को फेंकना आपको नहीं है। इसके अलावा अखरोट, बादाम, काजू, अगर इनको आप भिगोते हैं तो इसके पानी को आपको यूज़ नहीं करना होता है, उसमें एंटी न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो हीट है वो निकली है, तो वो पानी आपको डिस्कार्ड करना है, फेंकना है, उस पानी को यूटिलाइज नहीं करना है। तो भिगोने संबंधित ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। हर मौसम में ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे उसका लाभ ही आपको मिलेगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक ज़रूरी बात कि किसी व्यक्ति को अगर अखरोट से, बादाम से एलर्जी है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए नहीं है। अब बात आती है कि जब हम ड्राई फ्रूट खाते हैं तो उनको किस कॉम्बिनेशंस में खाएं। समझ नहीं आता कि कितने कितने ड्राई फ्रूट खाएं, क्या सारे ड्राई फ्रूट एक साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्टली
अंजीर मुनक्का आप एक साथ खा सकते हैं। दूध के अंदर पानी के अंदर अंजीर और मुनक्के को ग्राइंड करके आप ले सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से अखरोट को और बादाम को भी आप पाउडर करके या गीले भिगोए हुए अखरोट और बादाम का पेस्ट बनाकर बादाम का छिलका जरूर उतारें, उसमें एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं और वो बादाम के पोषण को कम कर देंगे। इसलिए बादाम का हमेशा आपको छिलका उतारना है और तब उसका पेस्ट बना के मिल्क में ऐड करके या बॉइल करके आप यूज कर सकते हैं, इससे उसका न्यूट्रिशन और भी बढ़ जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स को मिल्क के साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं, गुड़ के साथ यूज कर सकते हैं, लड्डू बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी फल, ताजे फल और ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन ना बनाएं। कभी भी कुछ आप ऐसी रेसिपी बना रहे हो जिसमें ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर रहे हो तो बिल्कुल अवेयर हो जाइए, ये बिल्कुल गलत कॉम्बिनेशन है, ये आपको नहीं यूज करना है, ये आपको फायदा नहीं देगा बल्कि बहुत डाइजेशन को हर्ट करेगा, परेशानी देगा आपको पेट के अंदर। दूसरी जरूरी बात कि जब भी आप ड्राई फ्रूट खरीदते हैं जैसे कि किशमिश वगैरह, तो ध्यान दें कि वो शुगर सिरप में डुबोकर बनाई हुई ना हो। आजकल कई ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो खट्टे किशमिश को भी, खट्टे अंगूर की किशमिश जो बनती है उसको भी शुगर के सिरप में डुबोकर मीठा कर दिया जाता है, तो ऐसे ड्राई फ्रूट लेने से बचें, खरीदने से पहले उनको अच्छे से एग्जामिन कर लें। अब बात आती है कि कितनी मात्रा में खाना है, तो मैं सिंपल कहूंगी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर मिक्स ड्राई फ्रूट आप खा सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे व्यूवर्स को समझ में नहीं आएगा कि एक मुट्ठी भर में कैसे कितने कितने आने चाहिए। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक दिन में कम से कम 2 अखरोट आपको खाने हैं, 5 बादाम, 4 या 5 आलमंड्स आपको खाने हैं, 8 से 10 अब काजू ले सकते हैं, 10 के लगभग मुनक्के आप भिगो के ले सकते हैं और 2 अंजीर की मात्रा पर्याप्त है। ये कुछ खास ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनको कि हम यूजुअली यूज किया करते हैं। इनके लाभ, ये ओवेरीज की फंक्शन को बढ़ा देंगे, आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये शुक्र धातु को पुष्ट करते हैं यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर खाइए। और अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए ताकि बाकी के व्यूवर्स मोटिवेट हो सके और जाने कि ये ड्राई फ्रूट खाने से उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। अब बारी है आपके सवाल की। हमारे आज के व्यूअर हैं जिनका क्वेश्चन है कि ब्लैक कॉफी इंटेक से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाता है, क्वेश्चन मार्क। ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक कॉफी को प्रेगनेंसी प्लान करते समय यूज करना सही है या नहीं। कई केसेस में कई लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन जिनको बॉडी हीट ज्यादा रहती है, जिनको एसिडिटी ज्यादा रहती है, जिनको कैफीन से एलर्जी है और मोस्टली इम्प्लांटेशन पीरियड में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। आप ब्लैक कॉफी ले रहे हैं लेकिन कैफीन उसमें भी उपस्थित है तो सीमित मात्रा में आप ले सकते हैं, लेकिन कैफीन का सेवन कभी भी खाली पेट नहीं करना है। चाय कॉफी पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है, इसमें मैंने समझाया है कि फर्टिलिटी और चाय कॉफी का रिलेशन क्या है, सो उसको जरूर देखिए। दूसरा सवाल है कि एग रप्चर ही नहीं होते हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सेकंड प्रेगनेंसी है, प्लीज़ कुछ उपाय बताएं, 3 साल हो गए हैं। एग रप्चर नहीं होना, अपना विटामिन प्रोफाइल टेस्ट कराएं, आयरन, कैल्शियम, जिंक आदि कैसा है आपके शरीर में, नहीं तो फॉलिक एसिड और एक मल्टीविटामिन टैबलेट जिस भी डॉक्टर से आप इलाज ले रहे हैं उनसे सजेस्ट करवाएं। डेली वर्कआउट करें, इंसुलिन का बड़ा स्तर भी इस चीज़ को डिस्टर्ब करता है, तो इतना उपाय करने से आई थिंक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप लॉन्ग वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद मी।